ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਰੀ ਦੀ ਅੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅਸਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਫ ਲੈਣ ਭੈਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰੀ ਸਫਰ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਘਾਟ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ श्री मुक्तसर साहिब विखे पंजाब रोडवेज अते पन बस के कच्चे कामियां वालों अपनी हक्की मंगां नूं लैके सवेरे 10 बजे तो लैके 12 बजे तक बस स्टैंड बंद करके पंजाब सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन अते जम के नारेबाजी की गई। पीआरटीसी अते पंजाब रोडवेज कामियां ने दस्या कि उन्हां नूं पक्का किया जाए अते 10,000 दे करीब नवीं बसां पाई जाए। श्री मुक्तसर साहिब तो अनमोल सिंह वड़िंग की रिपोर्ट लाइव भारत। चाहोगे क्योंकि जद्दी जिला है ट्रांसपोर्ट मंत्री का जिथे अज धरना दे रहे हैं की कहना चाहोगे की डिमांड सर मंगा हुई है पिछले 13-14 साल तो लड़क दी कि असी 13-14 साल तो डिपार्टमेंट के आउटसोर्स कंट्रैक्ट आधार पर काम कर रहे हैं सानू डिपार्टमेंट के पंजाब रोडवेज रेगूलर किया जाए 10,000 जी नवी बस है पंजाब की जी जी अपनी गिनती है जी उस हिसाब से 10,000 बस नवी पाई जाए बराबर काम बराबर तनखा जो कानून लागू किया जाए इन्होंने मंगों को लैके जोड़ा असं अब 2 घंटे की संकेतक हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि जो वड़िंग साहब ट्रांसपोर्ट मंत्री बने से तो सानू बड़ा उत्साह बड़ा चा स कि अपने हल्के जो ट्रांसपोर्ट मंत्री बने ने और जो साड़िया मंगा वो जल्दी पूरिया हो जाएगा पर जी स्थिति ज्यों की त्यों बरकरार है पहला है कि पहला लारे लप्पे लग जाते थे हुण थोड़ा जिहा असीं भी भरोसा करके घाटा खा रहे हैं कि चलो अपने हल्के देने अपनी जिहड़े मंगा जरूर यह सुनेंगे पर सरकार दी स्थिति ज्यों दी त्यों बरकरार है। दिवाली वेले जी एक सवा फार्म का उस तो पहला घराओ किया हड़ताल की गई सी और डिमांड सी कि रेगूलर करन की जी पॉलिसी है वो कैबिनेट की मीटिंग विचारा फिलहाल जरा तो असी दिवाली के तोहफा से तनखा वाधा कर देंगे तकरीबन 4,000 रुपये जी एवरेज साड़ी तनखा वाधा किया गया जो एक बार वर्कर संतुष्ट हो गए थे पर सूँ यह भरोसा से साड़ी 4,000 रुपये तनखा प्रति महीना वध गई है वड़िंग साहब ने वादा किया सूँ रेगूलर करन का भी जरा इन्होंने वादा की तो वह भी पूरा करेंगे पर तनखा वधा के एक बार मुलाजम टकाता इन्होंने कि मुलाजमान के कोई रोस ना आए पर जिमें जिमें वोटों का समा नेड़े आ रहा चोन जाबता लग रहा आने वाले अगले जनवरी या दिसंबर चोन जाबते इस महीने लगन की उम्मीद हैगी है तो सानू यह है कि इसे महीने सू जे जिन्हें भी मुलाजम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके रुजगार को पक्का कराने वास्ते कितने कितने सरकार उन्होंने भज रही है जे सरकार वोटों तो पहला यह मुलाजम मंगा का हल करती है तो भविख के जरा सरकार के जो मुलाजम की हमायत करने वास्ते तैयार हो गए देखो जी जो तनखा वधाई साड़ी वो माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने असी वधाई दी उन्होंने धन्यवाद भी किया भी साड़ी वधिया तुसीं तनखा वधा दी पर नाल ही साड़ी 14-15 साल तो मंग एको सी भी सानू पक्के किया जाए क्योंकि जे सानू पक्के करे तनखा तो आपे वध जूगी पर जिहड़े पिछे जे हड़ताल हुई सी 9 दिन की उस तो बाद माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने साडे नाल वादा किया भी तुहानू असीं पक्के कर देंगे चलो तनखा वधा के रोक गए हुण इस तो बाद 22 तरीक नूं मीटिंग हुई सी फिर ट्रांसपोर्ट मंत्री जी नाल उदों उन्होंने वादा किया भी जिहड़ी पहली कैबिनेट होगी पहली कैबिनेट च तुहानू पक्का करता जाऊगा तो पहली कैबिनेट ने पोस्टपोन कर दी दूजी कैबिनेट जिहड़ी कीती है उहदे च माननीय मुख्यमंत्री जी तो पार्टी प्रेजिडेंट सिद्धू जी पता नहीं की आपस च गलबात होगी लड़े है की होया पता ही नहीं विचों छड़ के कैबिनेट चले गए इहदे मतलब जी आपदी लड़ाइयां वेखदे आ आपदे मसले नहीं निबेड़ पा रहे पंजाब दा मसला किवें निबेड़नगे इन्हों ने दिसदे ने लोग किन्ने दुखी है लोग टावरां चढ़े बैठे है पहला इन्हों आपसी लड़ाइया भुलनिया चाहिए तो लोगों के बारे सोचना चाहिए क्योंकि चोणां समा नेड़े आ गया जे इस तरह ही लड़ते रहे तो मैं तो ऐ लगता है कांग्रेस पार्टी खत्म कर देने किसी हिसाब नाल पर सानू आपदे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी का भरोसा है भी साड़ी जिवें तनखा वधाई वादा करके वो सानू पक्के भी कराउणगे तो उनकी प्रपोजल तो उन्होंने तैयार कर ली है मेरे को रिपोर्ट है पर सब यही गल है भी माननयोग मंत्री जी नूं कैबिनेट मंत्री मीटिंग नहीं हो पा रही चंगी तरह मुख्यमंत्री टाइम दे रहे आप चलाइया खत्म करके ये कैबिनेट मीटिंग करन लोगों का हल करन ताकि ये मसला निबड़े तो जे मसला नहीं निबड़ता कैबिनेट मीटिंग नहीं होंगी तो 7 तरीक तो असी सारे नमित्ते समय हड़ताल चले जाएंगे पंजाब रोड पान बस तो PRTC सारे वर्करी क्योंकि सानू 14-15 साल तो हो गए हुण तो इन्हां तो लास्ट उम्मीद है भी साडा मसला हल करन जे ये भी नहीं करते फिर किंदे कोले जावांगे।
हूँ बहुत चिर मसला हल करने बाद यही करके जा सकता। संदीप सिंह जी, संदीप जी कितने जाना है बसा की दो घंटे की सरकारिया की उन्होंने अड्डा बंद कर रखे? हाँ जी, कितने जाना तुम? मैं सर अबोहर जाना जी। कितना समय हो गया इतने खड़े? मैंने सर दो घंटे हो गए जी। दो घंटे हो गए, कितनी की परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है जी। हूँ देखो काम से जाना है, ड्यूटी से जाना है, तो दो घंटे लेट हो चुके हैं, तो हजे कोई पता नहीं कितना टाइम लगता जी। मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर, यहाँ पर आपको मिलेगा हर मुश्किल का हल, जैसे कि मर्दाना कमजोरी, औरतों और पुरुषों के गुप्त रोग, बे औलाद, फालतू चर्बी, बढ़ा हुआ पेट, घटाएं, बवासीर, और आपको मिलेगी हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ। मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर, दीप कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट दुआबा शोरूम, कोट रोड, अमृतसर। रोजाना मिल 6 बजे तक।